मुझे पूरा यकीन है कि आप एडवरटाइजिंग और प्रमोशन का ये लेक्चर भी उसी तरह इंजॉय करेंगे जिस तरह आप पिछले लेक्चर्स को इन्जॉय करते रहें क्योंकि बजाते ख़ुद ये सब्जेक्ट इतना दिलचस्प है कि इसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशंस और चेंजेस हैं कि लामहाला इंसान जो चेंज को पसंद करता है उसको ये सब्जेक्ट जरूर अच्छा लगेगा और दूसरी बात ये है कि आज के दौर में इस सब्जेक्ट की इतनी ज्यादा एक्सपोजिशन और इस्तेमाल हो रहा है कि आपको हर वक्त इसके साथ रहना पड़ता है यानी यू हैव टू गो अलोंग विद द सब्जेक्ट और फॉर दैट मैटर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स विच आर बीग प्लेस्ड ऑन वेरियस मीडियाज एंड ऑल्सो टू अब्जर्व वॉच विद इंटरेस्ट एंड क्यूरियसिटी

जा सकते हैं या इस प्रोफेशन को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बुनियादी तौर पे इसके भी असूल वही हैं जो एक अच्छे मैनेजमेंट कानून या मैनेजमेंट पॉलिसी के मुताबिक यानी भी और ये ही अच्छा और मैं समझता हूं कि बहुत ही काबिल अमल जो प्रोसीजर आजकल एडॉप्ट किया जा रहा है जो बुनियादी तौर पे मैनेजमेंट के असूलों का एक कार्डिनल असूल है वो है कि आपने जब भी कोई काम करना हो तो उसके लिए एक चेकलिस्ट बनाए और वो पॉइंट्स जो उसके लिए जरूरी हैं उनको आप नोट डाउन कर लें याद रखिए कि मेमोरी जो होती है वो आपको किसी न किसी वक्त किसी ना किसी जगह पर फेल कर सकती है इसलिए पुराने थिंकर्स या मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कहते थे कि मेमोरेंडम इज बैटर दैन मेमोरी यानी टू नोट डाउन देखिए मैं आपको एक अपना ज़ाती मुशाह और तजुर्बा बताता हूँ कि मुझे दुनिया के मुख्त ममालिक जाने का इतफाक हुआ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और मुख्त ममालिक मुख्त प्रोफेशनल से मिलने का इतफाक हुआ जिनमें हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे ट्रेडर्स भी थे साइंटिस्ट भी थे कमर्शियल लोग भी थे इसके अलावा बहुत से ऐसे दूसरे प्रोफेशंस के लोग थे जिनमें पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन जो के आ, मेरा पैंतीस चालीस साल से सब्जेक्ट रहा है उनसे मुतल थे तो मैंने ये नोटिस किया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के अलावा तमाम मामालिक के लोग जब भी आप उनसे मिलते थे तो उनके हाथ में एक डायरी और एक पेंसिल या पेन होता था जो भी बातचीत वो करते थे उसको वो फौरन नोट कर लेते थे वजह क्या है एक कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मुख्तलिफ कंपनी से मिल रहे हैं मुख्तलिफ इदारों की तरफ जा रहे हैं मुख्तलिफ अवामिल को लुक आफ्टर कर रहे हैं उनमें कई चीजें आपको एक्स कंपनी या वाई कंपनी की जो है वो याद नहीं रहे इस जिम में जो सबसे बड़ी बात आपने याद रखनी है वो ये है कि हर मीटिंग का आपके पास बाकायदा एक मेमोरेंडम होना चाहिए यानी आप देखिए अब मैं आपको इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देता हूं कि आप एडवरटाइजिंग से मुतालिक हैं आप एक अकाउंट एग्जेकटिव हैं आपने एक क्लाइंट को मिलने जाना है और उसी रोज आपने किसी और क्लाइंट को भी मिलने जाना है तो आप हर क्लाइंट के लिए एक अपने पास हमेशा एक डायरी रखिए और हर क्लाइंट से मुतलिक उसमें मुख्तलि सफात पर अपने नोट्स रकम कीजिए या लिखिए इसका फायदा यह होगा कि लेट लेटर्स से यू हैव टू मीट थ्री कंपनीज ए बी सी वन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग जूसेस द अदर कंपनी इज डीलिंग विद सर्विसेस एंड द थर्ड कंपनी इज डीलिंग विद सम अदर प्रोडक्ट सो एट द एंड ऑफ द डे इफ यू वुड हैवे मेड नोट्स ऑफ ईच कंपनी एंड ईच क्लाइंट You will have no problem and there will be no intermingling of because at some point of time one of the clients would have given you an idea which he thinks or they think is a very sellable idea, but you might miss that if you are depending upon your memory only. So, join the technique of using memory and memorandum together that will help you. इन क्रिएटिंग ए वेरी गुड सोल्यूशन टू द रिक्वायरमेंट डिमांडेड बाई द्लाइंट इसमें चेकलिस्ट का मैंने आपको जिक्र किया चेकलिस्ट का बुनियादी लोघवी मतलब यह है कि जो काम आपने कर लिए आपने करने हैं जो कर लिए उनपे आप टिक मार्क लगाए कि यह हो गए और जो नहीं किए उनको खाली छोड़े या उन पर आप क्रॉस लगा दें कि ये काम अभी तक नहीं हो सके ये तो है चेकलिस्ट का बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन अब आपकी स्पेसिफिक्स जैसे मैंने आपसे बात की एडवरटाइजिंग से मुतालिक तो मिसाल के तौर पे आपको जैसे मैंने बताया कि आप एक जूस कंपनी के पास गए आपके पास सबसे पहले आपने जब जाना है तो क्लाइंट को भी आपने गाइड करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ दी बेसिक नेसेसिटीज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द डिजायर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द्लाइंट वो कैसे यानी आपने जब वहां जाना है तो आपने सबसे पहले जो आपका चेकलिस्ट का पॉइंट है वो प्रोडक्ट के बारे में आग्रही हासिल करनी है कि वो प्रोडक्ट क्या है उस प्रोडक्ट की बेनिफिट्स क्या है उस प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स क्या है वो प्रोडक्ट किस तरह दूसरी प्रोडक्ट से बेहतर है या उस मार्केट में किस कौन से ऐसे अवामिल हैं या बेनिफिट्स हैं या यूनिकनेस है उस प्रोडक्ट में जिसकी वजह से वो आप उस उस पर्टिकुलर पॉइंट को यूज करके उसको यानी एडवर्टाइज कर सकते हैं और सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं दूसरा उस प्रोडक्ट से मुतालिक मार्केट में कंपटीशन क्या है ठीक है जी कौन कौन से दूसरे कंपेटिटर्स उस मार्केट में मौजूद है तीसरा जब आप ये चीजें बता देंगे तो आप ये फैसला करेंगे कि उस प्रोडक्ट की टारगेट मार्केट क्या है और उसकी रीच क्या है यानी टारगेट मार्केट कौन उसके कंजम्शन कौन उसके कंज्यूमर्स हैं और कहां वो रहते हैं इसके अलावा अगली बात कि आपका क्लाइंट इस सारी एक्सरसाइज को करने के लिए अपने जहन में क्या बजट रखे हुए है और क्या वो बजट इस पूरी एक्सरसाइज के लिए काफी है एज ए प्रोफेशनल आपने भी एक बजट सजेस्ट करना है लेकिन आपने मैच करना है कंपनी या क्लाइंट के बजट और जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड कैंपेन है उसकी एफिकेसी से यानी उसकी एफिशिएंसी से कि वो परफॉर्मेंस है कि वो किस तरह परफॉर्म करेगा वो एडवर्टीजमेंट प्लान मार्केट इसके अलावा रखना है, वो पता क्या है? एक जो एक मिसाल के तौर पे अपनी प्रमोशन के लिए खर्च करना चाहता है तो वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका उसको कोई खाति खा रिवार रिजल्ट ना मिले चाचे आपकी एज एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव ये रिस्पांसिबिलिटी है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि जो कैंपेन आपने तैयार की है नंबर वन वो कैंपेन कितने की है और उसने मीडिया के एतबार से या लिहाज से किस तरह आपने उस अमाउंट की तकसीम की है ताकि बेहतर से बेहतर रिवॉर्ड या रिजल्ट मिल सके आज जैसा कि मैंने आपको बताया है बड़ा कंपेटिटिव दौर है और इस कंपेटिटिव दौर में सबसे पहले जो बात आपको नजर में और जहन में रखनी होगी वो ये है कि जब कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है तो मार्जिन या प्रॉफिट जो होते हैं वो स्क्वीज करते हैं और जब वो स्क्वीज करते हैं तो उसको मेंटेन सस्टेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए भी बाजत आपको यह इंश्योर करना पड़ता है कि आपका टर्नओवर ओवर बढ़े यानी अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके एक वक्त में एक लाख यूनिट्स सेल हो रहे हैं तो आप पब्लिसिटी के जरिए आप ये चाहेंगे कि आपके वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10 से 15 परसेंट ग्रोथ हो क्योंकि आपकी जितने भी कॉस्ट्स हैं वो स्टेटिक रहेंगी जबकि आपकी टर्नओवर ज्यादा होने की वजह से आपकी इनपुट कॉस्ट जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिली बेहतर होगी और इसलिए एडवर्टाइजिंग जो है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और एडवरटाइजिंग एजेंसी या एडवर्टाइजिंग हैंडलिंग पीपल या अकाउंट एग्जेक्टिव आर टूडे मोर अकाउंटेबल देन दे यूज टू बी इन द पास्ट ईयर्स ये तो बात आपको समझ आ गई अब इसके नतीजे में क्या तरीका है कि जब आप ये एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो सिर्फ आपको इस बात पर नहीं सो जाना चाहिए इतमान से कि आपने एक क्लाइंट वेन ओवर कर लिया आपने उस क्लाइंट की वजह से आपको एक्स अमाउंट ऑफ बिजनेस जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी कि वन मिलियन का बिजनेस मिल गया तो यू गो एंड स्लीप बिकॉज यू हैव प्रिपेयर एंड लॉन्च दिन नो यू हैव टू Be on guard all the time to see whether that advertising campaign is working or not. You should, as an account executive, also be in touch with the marketing section of the company, of the client, to get the feedback as to what is happening in the market. Are your products growing? Are, you, uh, are your clients' products? Getting the desired response in the market or not. If they are not getting the response, then where is the problem? Is the product by itself weak or devoid of features, or on the other hand, is the publicity or advertising not working? So, the big question in the mind of accounts executive and the management of your client should be what is working and what is not working so these are the important parameters so on the basis of which a policy and theory in this regard is very simple the responsibility of account executive in complete cohesion and coordination with the clients marketing department is to make a situation or plan a situation of continuous tracking. That means that you will be always always alert on what is happening in the market and how to match that requirement over a period of time to see that the policy, whatever you have adopted, is it working or is it not working? So the question is: what is working and what is not working. इन दिस कॉन्टेक्स्ट दी मैथड ऑफ दैट इज हैविंग ए कंटिन्यूस ट्रैकिंग सिस्टम इवॉल्व और डिवाइज सो दैट यू कैन ऑलवेज बी ऑन गार्ड एंड यू कैन फाइन ट्यून योअर रिक्वायर्ड पॉलिसी विद रिगार्ड टू कैंपेन एंड इट्स एप्लीकेशन अब ये कोई हरफे आखिर तो नहीं आपने एक कैंपेन बना दी और जैसा कि कहते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल एडवर्टीजमेंट्स एट ऑल टाइम्स विल सक्सीड देयर इज बाउंड टू बी सम फेलियर देयर इज बाउंड टू बी सम लैकनेस और देयर इज बाउंड टू बी सम वीकनेस वेदर द वीकनेस कम्स थ्रू द प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ और द वीकनेस कम्स थ्रू इनसफिशियंट फंड एलोकेटेड टू एडवर्टीजमेंट और द वीकनेस कम्स बिकॉज ऑफ What? The campaign by itself. It was not very creative. It was not in line with the basic ingredients of the policy, of the advertisement requirements, and resultantly, the, the advertisement campaign did not work. ये वो अवामिल हैं जिन पे आपको हर वक्त नजर रखनी होगी एक अच्छे अकाउंट्स एग्जेक्टिव और आज के दौर के अकाउंट्स एग्जेक्टिव के लिए नहाय जरूरी है कि वो इन तमाम अवामिल पर गौर करे जो मैंने आपको आज के लेक्चर के शुरू में बात बुनियादी तौर पे बताई थी कि आपको ख्याल ये रखना है कि आपको एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी है इसी तरीके से साथ साथ जब आप चेकलिस्ट बनाएंगे क्लाइंट से डिस्कशन के लिए तो आप एक चेकलिस्ट तैयार करेंगे अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए और इसको कहते हैं एवेल्यूएशन ऑफ द कैंपेन विच यू प्रिपेयर्ड एंड नेसेसरी फाइन ट्यूनिंग और एडजस्टमेंट्स इन दर्टिजमेंट टू यूज इट मोर इफेक्टिवली विद रिक्वायर्ड रिजल्ट और वो चेकलिस्ट के जो हाइलाइट्स हैं जो कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको पूरी तरह पहले भी बताए हुए हैं कई मरतबा एक मरतबा फिर बता देता हूं ताकि ये आपके जहन में प्रॉपरली इन्वाइट रहे और इसको आप कभी भी फरामोश ना करें या अपने जहन से मत हटाए क्योंकि जहां आप इनसे हटे ये वो बुनियादी सुतून है एडवर्टाइजिंग के जिनके बगैर आप काम नहीं कर सकते या बाल फाज दीगर आप कामयाब नहीं हो सकते या एक मुसर और अच्छे नतज पर हामिल एडवरटाइजिंग कैंपेन नहीं बना सकते इस तमाम एक्सरसाइज में ये चार पॉइंट याद रखिये जब आपने क्लाइंट से आकर कैंपेन लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया तो उसके बाद किस बात का ख्याल रखना है कि आपकी कैंपेन का मार्केट में रिसेप्शन कैसा हुआ हाउ वॉज योर एड टेकन इन दार्केट आपने कई दफा नोटिस किया होगा कई एड्स ऐसे आते हैं आप उनको देखते ही नहीं है और अपना चैनल या रेडियो या जो भी है आप उसको फौरन तब्दील कर देते हैं। इसी तरीके से आपने पहली बात ये देखनी है कि आपके एड का रिस्पांस क्या हुआ? कई एड आप देखते हैं वो बड़े पॉपुलर हो जाते हैं और साल हर साल वो एक बजाते खुद वो एड जो है वो भी एक आम, यानी लाइकेबल कॉन्सेप्ट या लाइकेबल प्रोडक्ट बन जाता है और वो उस प्रोडक्ट से चूके हम चूके रिलेटेड होता है तो वो प्रोडक्ट की सेल्स में बहुत इफेक्टिव और पॉजिटिव रोल प्ले करता है दूसरी बात कि उस एडवर्टीजमेंट के जब इसको वेयर इन पीरियड कहते हैं एक्चुअली यानी जब आपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च की तो उस पीरियड में वो इन रोड बना रहा होता है इसके अवैल में रिसेप्शन के बाद वट इफेक्ट डिड इट है प्रोडक्ट बाई इट सेल्फ ये आपका दूसरा काम है देखना और यह मैं आपको बता दूं अब आप इस बात को भूल जाए कि जी ये काम मार्केटिंग का है क्योंकि आप सबसे बड़ा पैसा खर्च करने वाला एक सोर्स है क्लाइंट का तो क्लाइंट तो चाहेगा ना कि आपने इतने सारे उसके पैसे खर्च कराए तो उसके नत्ज क्या हुए चौनाचे कीप ऑन वॉच ऑन गार्ड व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट व्हाट रिजल्ट और इफेक्ट डिड इट हैव ऑन है प्रोडक्ट इफ इट वाज अ न्यू प्रोडक्ट डिड इट और इज इट ग्रोइंग इन द मार्केट ट वॉज ए प्रोडक्ट विच वॉज अपग्रेडेड हाउ डिड इट फेयर मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट पहले से आ रही थी एक जूस है या कोई प्रोडक्ट है अब उसको लॉन्च किया जाता है और कहा जाता है कि अब इसमें अस्सी फीसद प्योर जूस है पहले इसमें चालीस फीसद था तो चालीस फीसद का क्लेम है आपका तो ये एक हाईलाइट है तो क्या ये प्रोडक्ट जो है वो मैसेज ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन आगे पहुंचाने में कामयाब हुई या नहीं और उसके बाद आपने यह देखना है कि उसके नतीजे में लोगों का माइंडसेट क्या है हाउ आर पीपल रिएक्टिंग टू द कैंपेन एंड द प्रोडक्ट वाइज इन तमाम मामलों की बुनियाद पर आप वक्तन फक्तन क्लाइंट से मीटिंग करते रहेंगे और नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स एडजस्टमेंट्स या बकौल शख्स से फाइन ट्यूनिंग उसी एडवरटाइजिंग कैंपेन में करते रहेंगे एक उसकी छोटी सी मिसाल देता हूं आपने देखा होगा कि कई मरतबा एक एड टेलीविजन पर चल रहा है और वो एक मिनट का एड चल रहा है और उसके बाद वही एड है वही कैरेक्टर्स है वही सब मैसेज है लेकिन अचानक आप महसूस करेंगे कि वो एड में से वो चीजें जो उसको तवील बना रही थी निकाल दी गई ताकि उसका इम्पेक्ट बेहतर हो तो ये आपकी शवाबदीद पर है कि आप किस तरह से क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं इन एप्लीकेशन और यूसेज ऑफ ए कैंपेन इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर और इसी प्रोसेस को कहते हैं एडवर्टाइजिंग की जुबान में या किसी भी मैनेजमेंट जुबान में कंटिन्यूस ट्रैकिंग इस कंटिन्यूस ट्रैकिंग की वजह से ही आपको सारी चीजों का इल्म हो सकता है कंटिन्यूस ट्रैकिंग में तमाम अनासर जो हैं मुख्तसर आपको पहले भी एक्सप्लेन किए हैं लेकिन इन पर बात करते हैं अब एक प्लान के तहत ताकि आपको बतदरीज इनके तमाम अवामिल जो हैं वो समझ आ जाए सबसे पहले कंटिन्यूस ट्रैकिंग का जो बेसिक रूल है वो है कि डज एडवरटाइजिंग कैंपेन वर्क इन दिस मार्केट यानी बजाते खुद क्या ये मार्केट इज रेडी फॉर द एडवर्टाइजिंग कैंपेन

तो ये एडवर्टाइजिंग या कोई एडवरटाइजिंग कैंपेन आपकी जो है वो कामयाब हो सकती है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग चेंज एटीट्यूड एंड देन बिहेवियर ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि जो एडवरटाइजिंग आप कर रहे हैं क्या उनकी वजह से टारगेट ऑडियंस का माइंडसेट चेंज होगा और जब टारगेट ऑडियंस का माइंडसेट चेंज होगा तो क्या उनका रिएक्शन आपकी फेवर में होगा एटीच्यूड आपकी फेवर में होगा उसके बाद आइडेंटिफाई वट वर्क एंड वट डज नॉट ये आपने देखना है कि किस किस्म की एडवरटाइजिंग जो है उसकी वजह से डिजायर्ड रिजल्ट हासिल होंगे या नहीं होंगे तो ये वो अवामिल हैं जो कंटिन्यूस ट्रैकिंग करने के लिए जरूरी है और उनकी बुनियाद पर ही आप एक अच्छी एडवरटाइजिंग कैंपेन ना सिर्फ बना सकते हैं बट उसके अमली पहलुओं पर या अमली जिसे कहते हैं अरसे में यानी जब वो इंप्लीमेंट हो रही होती है उसमें कामयाबी से नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करके वो रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं जिनकी आप से आपके क्लाइंट को तो है तो इसलिए कंटिन्यूस ट्रैकिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आगे और भी डिस्कस करते हैं अब कंटिन्यूस ट्रैकिंग के लिए जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था आज के लेक्चर में ही शुरू में कि कंटिन्यूस ट्रैकिंग के लिए क्या चीजें हेल्प करती हैं ये तो मैंने आपको बता दी ना किन अनासर पर आपने तवज्जो देनी है लेकिन अब वो कौन सी चीजें हैं जो हेल्प कर सकती और ये इंफॉर्मेशन या रिसर्च इन दोनों के जरिए ही आपको यह मालूम हो सकता है कि आपके जो तमाम कैंपेन है वो कैसे काम कर रही है रिसर्च कैसे हेल्प कर सकती है लेटेस्ट एनालाइज दिस रिसर्च बुनियादी तौर पे होती क्या है रिसर्च इज टू डेल्व इन टू अफेयर्स हैपनिंग अराउंड यू इन दैट सिनेरियो इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट विद रिगार्ड टू योर प्रोडक्ट एज सर एज रिसर्च इज कंसर्न इन दिस पैरामीटर आई एम गोइंग टू डिफाइन इट एज दिस Now, how can research help? If you have done enough homework regarding the product or regarding the service which you are handing as an advertising agent or, or an accounts executive, it helps in acting as an early warning system. आपको फौरन पता चल जाता है कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में उस तरह से सेल ग्रो नहीं कर रही जब उसरों की सेल्स में ग्रोथ हो रही है तो आप एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत अपनी कैंपेन में एडजस्टमेंट कर सकते हैं ठीक है जी नंबर टू इट्स एबिलिटी टू रिवील चेंजिंग मार्केट पैटर्न्स वेन यू विल बी अलाइव टू दार्केट पैटर्न एंड ट्रेंड्स This will always provide you with enough information to know or to analyze about the changing trends and then simultaneously incorporate those changes in your campaign. This uh, is research. Ke ka. Iske baad its ability to capture unexpected events. अब देखिए रिसर्च का जहां मैंने आपको लफ्ज इस्तेमाल किया था ना इंफॉर्मेशन जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं उसको आप नोट करते रहते हैं और एनालाइज करते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी गैर मुतवक् तौर पर वाक्यात हालात या ऐसे वाक्यात होते रहते हैं जिनसे आपकी एडवरटाइजिंग कैंपेन पर असर हो सकता है मुस्बत या मनफी तो आप उसमें नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं ये भी कंटिन्यूस ट्रैकिंग के मुख्तलिफ पहलू। उसके बाद इट्स वैल्यू एज अक्यूमलेटिव डेटा बेस रिसोर्स जब आप रिसर्च करते हैं तो आपके पास एक काफी दर्जे का या लेवल का डेटाबेस मुहैया होता है जो आप रिफर करके जब भी आपको जरूरत हो आप उसके जरिए से मुख्तफ नतज और इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं नतज हासिल कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं तो रिसर्च जो है इसकी वजह से आपको ये तमाम अवामिल जानने का मौका मिलता है जिनसे आप जो ट्रैकिंग है अपनी कैंपेन की वो मुसलसल कर सकते हैं और उससे बेहतर से बेहतरीन नतज हासिल कर सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह ही है जी जिस तरह मैं जब फाइन ट्यूनिंग का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि आप एक रेडियो सुन रहे हैं और उसकी रिसेप्शन में आपको दूसरी तरह दू, मुख्तलफ किस्म के नॉइजेस भी आ रहे हैं तो आप थोड़ी सी नाव हिलाकर उसको क्लियर कर लेते हैं एंड यू आर सेटिसफाइड So, same rule applies in very simple terms to the research or continuous tracking backed up by research so that you have enough data, you have enough information to be abreast with what is happening in the market and to adjust or fine tune your advertising campaign for better results or more benefits. Now, what is it? कि मार्केट्स जो होती है ना जी ये डायनेमिक है ये चेंज होती रहती है इनमें हर वक्त उतार चढ़ाव कुछ ना कुछ तब्दीली होती रहती है क्योंकि मार्केट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर्स माइंडसेट कीप्स ऑन चेंजिंग व्हाई वेरी सिंपल बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कंपेटिटर्स बाई एडवरटाइजिंग कैंपेन्स बाई हैिंग्स बाई वेरियस मीडिया सो मार्केट आर डायनेमिक एंड दे रिक्वायर डायनेमिक अप्रोच फ्रॉम दाउंट्स और दस्ट दे आर लाइक ए मूविंग पिक्चर जैसे मैंने आपको बताया जिस तरह एक तस्वीर चल रही है इस तरह मार्केट भी दे आर जस्ट लाइक मूविंग पिक्चर यानी चेंज होती रहती है हर वक्त अब बात यह है कि एक बात आपको जरूर सोच लेनी चाहिए जिसको आप कभी भी इग्नोर ना करें अगर आप ये काम नहीं कर रहे होंगे ना तो आपका कंपेटिटर जरूर कर रहा होगा And then what happens is he is following you. He is countering what you are doing and resultantly creating a negative force against you. So you must remember that markets are very demanding and they are not static today. It is a very competitive age and there are many similar product or service providers. So they are bound to compete very vigorously, rigorously so that they can get the best out of the market. They can grab the best share. So remember that you have to do the continuous tracking. Otherwise, your competitor will be doing it and chasing you. So as they say, are you being followed? You have to be alert. You have to be alive. You have to be cognizant of the fact that same story as they say, that the pigeon used to when the, when the cat was coming towards the pigeon pigeon closed his, his eyes that the cat is not watching him but that's not true eventually the pigeon got killed so the moral of the story is that you must you must and you must i give three emphasis on this to make it very important do continuous tracking of what is happening in the market because market is not going to wait for your प्रोडक्ट अनलेस इट इज अबरेस्ट एंड इट इज मीटिंग दिमाड ऑफ द टाइम्स अब बात हो रही है ना जी कैंपेन की तो इस पर हमने पहले थोड़ी सी बात की थी लेकिन चंद चीजें अब थोड़ी सी एडवांस की है कि कैंपेन्स को प्लान करने से पहले आपको क्या करना चाहिए ठीक है यह बड़ी जरूरी बात है इसके लिए जैसा मैंने आपको कई मरतबा लेक्चर्स के आगाज में भी और लेक्चर्स के दौरान भी ये बताया है कि हर चीज की मनसूबाबंदी ही से आप एक अच्छी तजवीज और एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं अब वो मनसूबाबंदी जैसे कि मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी आपने घर से एक मंजिल की तरफ जाना है तो आप घर से सोच कर निकलते हैं दिमाग में एक मनसूबा बनाते हैं कि आपने ये रास्ता अख्तियार करना है क्योंकि इसमें रश कम और इसमें वक्त कम लगेगा और आप अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाएंगे ये वो अवामिल हैं जो आपके सिर्फ एक सफर के लिए हैं तो ये भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी एक सफर है जिसकी इब्तदा होगी एनिंग से और इंतहा होगी उसकी लॉन्च से और उसकी वैल्यूएशन से तो इसके लिए जरूरी है कि आप उन अवामिल को मद्देनजर रखें कि कैंपेन्स की प्लानिंग के लिए क्याल की जरूरत है सबसे पहले आपने जो भी कैंपेन बनानी है उसमें ये बात जहन में रखनी है कि वो आपने मार्केट में मौजूद कंज्यूमर्स के माइंडसेट से हम आहंग रखनी है अगर आपकी कैंपेन मार्केट के माइंडसेट से मुख्तलिफ होगी तो यकीन मानिए इट विल नॉट वर्क So, एक जुज जो आपने दरियाफ्त करना है कैंपेन से पहले कि आपको माइंड सेट का या बिहेवियर का कंज्यूमर के इल्म होना चाहिए और ये वो रिसर्च से मुताल का है ये उन तमाम चेकलिस्ट से मुतालिका है जो मैंने आपको पहले बताई तो सबसे पहले जो बेसिक रूल है ना वो ये है कि आपने जब कैंपेन बनानी है तो ये जहन में रखिए कि वहां उस मार्केट के कंज्यूमर्स का माइंड सेट क्या है एड्स जो होते हैं ना जी ये एडिक्टिव होते हैं बाज एड्स ऐसे होते हैं जो आपका दिल भी करता है बार बार देखने का द मोर यू हैव द लेस यू रिमेंबर मगर साइमिलटेनियसली बार बार देखने से हर दफा एक नई चीज का इलम होता है और माइंड सेट चेंज करने में आपको मदद मिलती है इसलिए फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यू चीज है वो भी एडवर्टाइजिंग का एक बहुत अहम जुज जब आप कैंपेन को बना लेते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन का वक्त आता है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या यह कैंपेन क्रिएटिविटी में किसी दूसरी मार्केट की कैंपेन से कम तो नहीं क्या इसमें एक ऐसा नया यूनिक मैसेज है जिसकी वजह से ये एक्सेप्ट होगी और जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हासिल करने में कामयाब होगी नंबर टू मनी स्पेंड क्या वो पैसे जो आप खर्च कर रहे हैं वो कितने होने चाहिए और उनका सही इस्तेमाल क्या होगा मैं बात कर रहा हूं कैंपेन की परफॉर्मेंस से मुतालिक अकाउंटेबिलिटी से मुतालिक पैसा इज दिस और इज ए मनी स्पेंट इज वेल स्पेंट ये चीज जाननी जरूरी है उसके बाद वट इज दूलिंग आप किस तरीके से अपनी कैंपेन को शेड्यूल करना चाहते हैं ताकि वो कैंपेन जो है वो मुसर हो क्या आप हफ्ते हफ्ते की प्रमोशन करना चाहते हैं यानी एक एक हफ्ता कंटिन्यू करें एक हफ्ते के बाद गैप दें क्या आप चाहते हैं कि एक ही गो में सारी प्रमोशन कर दी जाए इसके लिए भी फैसला करने के लिए मुख्तलिफ अवाम, अवामिल दरकार हैं जिसमें जिसकी वजह से मैंने आपको पहले कंटिन्यूस ट्रैकिंग सिस्टम से आगाह किया था अब आते हैं आगे नंबर ऑफ कंपेटिटर्स उस सोर्स पर जहां आप अपनी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं उस पर दूसरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं किस किस्म की प्रमोशन कर रहे हैं और वो प्रमोशन किस तरह से वहां स्प्लैश हो रही है और उस वक्त उस दौरान में उनकी कितनी प्रमोशन या उनके कितने स्पॉट्स ऑन एयर जा रहे हैं या उनके जो कैंपेन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसके बाद इस तमाम एक्सरसाइज में देखना यह है कि जो क्लाइंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट लेवल कितना है वो किस हद तक आपके एड्स की तरफ मतवज है या वो क्या वो हाई इन्वॉल्वमेंट है या लो इन्वॉल्वमेंट है इसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी इतना ही बताना काफी है कि आपने ये डिटर्मिन करना है कि आपके जो टारगेट मार्केट या टारगेट ऑडियंस है उनके इन्वॉल्वमेंट का लेवल क्या है और आखिर में जो सबसे बड़ा जरूरी है तो वो आखिरी पॉइंट लेकिन बुनियादी पॉइंट कि आपके एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है यानी आप उस एडवर्टीजमेंट कैंपेन से क्या हासिल करना चाहते हैं कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या एक मॉडिफाइड प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या आप अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एक स्पेसिफिक कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं तो ये वो चीजें हैं जो कैंपेन की प्लानिंग से पहले आपको जानना जरूरी है जिनमें दो चीजों को मैं सबसे ज्यादा अहमियत दूंगा नंबर एक कैंपेन को लॉन्च करने से पहले आपको मार्केट में जो मौजूद टारगेट ऑडियंस है उनका माइंडसेट जानना जरूरी है। उनके बिहेवियर्स और उनके एटीट्यूड्स के बारे में जानना जरूरी है और दूसरा कि आपके एडवर्टीजमेंट का या कैंपेन का मकसद क्या है वॉट इज दब्जेक्टिव विच यू वॉन्ट टू अचीव थ्रू दिस कैंपेन तो प्लानिंग के लिए इन अवामिल का होना बेहद जरूरी है कैंपेन्स की प्लानिंग में और एडवर्टीजमेंट में एक बड़ा खूबसूरत सा जो आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको बड़ा ही दिलचस्प लगेगा और थोड़ा सा उसके ऊपर आपको तोज्जो भी देनी जरूरी है तभी आप इसको समझ सकेंगे बात यह है कि जानना यह जरूरी है क्योंकि हर शख्स की परसेप्शन मुख्तलिफ होती है हर शख्स एडवर्टीजमेंट को अपने अंदाज में समझता है या देखता है आपने ये नोटिस किया होगा हर शख्स एडवर्टीजमेंट से अपनी मर्जी का पॉइंट चुनता है और उसके मुताबिक अपना माइंडसेट बनाता है या अपना बिहेवियर बनाता है आपने देखा होगा दूध के एड्स ड्रिंक्स के एड्स यानी बेवरेजेस के एड्स आपने देखा होगा कि हर की अपनी अपनी चॉइस है अपना अपना माइंड है ब्रांड एक ही लेकिन माइंड सेट इस कॉन्सेप्ट को हम डिसाइफर करेंगे या इसका फर्क जानेंगे बाई डिस्क्राइबिंग इट एज इमेज वर्सेज रियालिटी यानी हकीकत क्या है और इमेज क्या बनता है तस्वर क्या है तस्वर कैसे किया जाता है लेकिन हकीकत क्या है जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स की नेचर में होता है टू सी थिंग्स डिफरेंटली अब इस मौके पर आपको इस स्लाइड को बहुत तवज्जो से देखना पड़ेगा मैंने दो आपकी छोटी सी हिल बनाई हैं, इनको आप जरा गौर से देखें और इसको पर थोड़ा सा वक्त लगाए सबसे पहले आप देखें आपकी स्लाइड पर दी गई एक तस्वीर को अब फौर तौर पर जब आप इस तस्वीर को देखें तो आपको लगेगा कि ये एक रैबिट है मैनी खरगोश है लेकिन जरा इसको थोड़ा सा आप दोबारा इस पर गौर करें तो आप इसको यूं भी कह सकेंगे कि ये एक डक है बताइए जरा देखकर, देख रहे हैं ना आप इस इलिस्ट्रेशन को जरा तवजो से देखें और इसको जरा गौर करें इसी तरीके से जो आपकी स्लाइड में तस्वीर है उसमें देखेंगे आप तो आपको नजर आएगा कि जिस तरह ये दो चेहरे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं लेकिन अगर आप इसको एक मरतबा दोबारा गौर से देखें तो आपको ये एक आवाज नजर आएगा जो कि टेबल पे रखा जाता है क्यों आपको ये फर्क महसूस हुआ दो मरतबा देखने से या गौर करने से आपकी परसेप्शन में चेंजेस हुई इस देखने के अमल को यानी क्या आप ब्लैक के ऊपर व्हाइट देख रहे हैं या व्हाइट के ऊपर ब्लैक देख रहे हैं इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्यूइंग है ना दिलचस्प बात इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट को भी बाज मुख्तलिफ पर मुख्त इंटरप्रिटेशन से देखा जाता है और यह समाइम्स जहां सूदमंद साबित होता है वहां इसके नुकसान या नेगेटिव इंपैक्ट भी होने का एहतमाल होता है दोबारा जरा इस स्लाइड को से देखें जस्ट सी दैट रेबिट एंड एंड ट्रांसलेट योर माइंड बा वाइल्ड विट एज ए डक एंड द सेकेंड वन See them one time, you will see two faces looking at each other, and the other time, which you may watch, it will look like a boss. So, this is called frame of reference because this creates perception and different perception. As I told you, this always varies from person to person, and human beings have a tendency to say, see things differently from person to person. तो ये दो मिसालें मैंने आपको इसलिए दी ताकि आपको ये बात जहन में रहे कि जरूरी नहीं कि आप जो जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने एड को वो उसी तरह ही प्रसीव किया जाए सो योर अटेम्प्ट शुड बी टू मेक द एड एज इफेक्टिव एंड एज सिंपल सो एज टू क्रिएट परसेप्शन विच यू वॉन्ट देम टू परसीव So that the objective of campaign regarding your product or service is achieved. Image or reality may ek or bar jo bahut important hai. wo hai ek brand key evaluation. Yani evaluating a brand. It is not easy, it is difficult. But then again, the same uh, matter or same principle applies here too.

so that they prove unique so that they are accepted as different from the existing competition by perceiving a product or service by the overlay of frame of reference to many bataya. you can change the perception of people by preparing an ad which is creative in a sense that it creates and it delivers or it portrays or it projects the creativity for the purpose of the perception of the people how do you want it to be? Lekin aati This has to be you get it through experience over a period of time and experience is backed by research, information and data. कि आपने मार्केट में किस तरह से ओवरऑल एनालिसिस देखे हैं कि हाउ हैज दी परसेप्शन और व्हाट इज दी परसेप्शन लेवल ऑफ द टारगेट ऑडियंस इन दैट मार्केट एंड हाउ शुड यू एक्टिवेट दैट और मोल्ड इट इन योर फ्यू ये सारे मिसाइल जो हैं इनका ताल्लुक इंफॉर्मेशन रिसर्च से है जिसकी बुनियाद पर ये तमाम अवामिल को आप मैच कर सकेंगे अक्सर औकात जो मसला पेश आता है वो ये आता है कि एडवर्टीजमेंट को किस तरह से समझा जाए अब जब आप ये जानेंगे तो आप अपने क्लाइंट्स को यानी अपने टारगेट ऑडियंस को अपनी मार्केट को आप समझा सकेंगे कि एड्स आप एड ऐसा बना सकेंगे जिसको मार्केट आसानी से समझ सके One, जब भी एड रिलीज होता है जो बेसिक चीज है एवरीबडी नोज इट इज एन एड ये तो कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कोई साइंस नहीं है बड़ा सिंपल सा मसला है कि एक अखबार में एक जब कोई चीज आती है प्रोडक्ट के बारे में तो आप फौरन तस्वर कर लेते हैं कि ये एक एडवर्टीजमेंट दूसरा देन वी इमीडिएटली ट्राई टू आइडेंटिफाई वॉट इज द एड फॉर फिर दूसरा हमारा जो प्रसेप्शन होता है कि ये एडवर्टीजमेंट क्या कह रहा है इस एड का मकसद क्या है पहला हम जानते हैं कि एक एड है और इस एड में क्या कहा जा रहा है नंबर थ्री कॉन्सिक्वेंटली आर माइंड्स गेन इंफॉर्मेशन क्या होता है पहले हम जानते हैं ये एड है दूसरा हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस एड देन आर माइंड एक्सेप्ट हाईलाइट और द्लेम्स और दी परसेप्शन बींग अटेम्पटेड बाई द एडवर्टाइजर टू बी पास ऑन टू यू उसके नतीजे में क्या होता है कि फिर आपका एक माइंड या एक बिहेवियर चेंज होने से एटीट्यूड चेंज होता है और उस रिएक्शन के नतीजे में यू टेंड टू बेंड और लीन टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट यू डिसाइड ऑन थिंकिंग अबाउट बाइंग दैट प्रोडक्ट ब्रांड रिमाइंडर्स ये एड्स री एनफोर्स दलियंस ऑफ ब्रांड नेम एडवर्टीजमेंट से आपको ब्रांड्स के पता चलता रहता है कौन कौन से ब्रांड मार्केट में मौजूद हैं और उनकी क्या स्पेसिफिक्स हैं उनकी क्या प्रोडक्ट्स हैं और उनके क्या क्राइटेरियाज हैं और उनके क्या पैरामीटर्स हैं और उनकी क्या प्रोडक्ट या सर्विसेस और ये माइंड में बिठाने के काम आते हैं माइंड में बैठ जाता है ब्रांड का इमेज जैसे बैवरेजेस हैं ये हैं, जब भी आप बेवरेज़ का सोचे आपके जहन में फॉरन दो चार ब्रांड्स आएंगे सो so, ये माइंड में ब्रांड रिमाइंडर उन एड्स की वजह से जिसे कहते हैं ना एंट्रेंस हो जाता है एम्बेड हो जाता है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन जो है ना जब आप कोई भी एडवर्टीजमेंट से इंफॉर्मेशन आगे भेजते हैं तो ये बुनियादी तौर पे पहले माइंड में स्टोर होती है और माइंड फिर इशारा करता है या गाइड करता है एक रिएक्शन के लिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है कि जब एड आता है तो कौन से पार्ट पर आप तवज्जो तो देते हैं

उस कैंपेन के नतज से आगाह रखना यह भी आपकी जिम्मेदारी है और इसके लिए कैसे होगा मुमकिन जब आप कंटिन्यूस ट्रैकिंग करेंगे तो ये बात हमेशा याद रखिए इन अवामिल को मद्देनजर रख के ही आप एक अच्छी कैंपेन बना सकते हैं जिससे आप एक अच्छे अकाउंट एग्जेक्टिव शुमार होंगे और अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में आप एक अच्छा मकाम हासिल करेंगे